ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में एक मेन टॉपिक है जो कि अक्सर स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं या वो पूरे तरीके से नहीं समझते। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे ताकि ये आसानी से आपको क्या हो जाए, समझ आ जाए। डिसोसिएट किसको कहते हैं? डिसोसिएट किसको कहते हैं कि एक कंपाउंड है वो क्या हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मिसाल के तौर पर हेमोग्लोबिन है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन चूंकि दो चीजों से बना हुआ है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से बनाए, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिस पर हेमोग्लोबिन क्या करेगा, जिस पर हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन छोड़ देगा, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। बार-बार ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में जो बात समझाई गई है, एक तो ये कि हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन रिलीज करता है तो उसका ग्राफ क्या बनता है, दूसरी चीज ये कि हेमोग्लोबिन अपने पास कितना ऑक्सीजन रिजर्व रख रहा है, तीसरी चीज जो इसके अंदर समझने की है वो ये कि जो कल के लेक्चर में डिटेल से हमने डिस्कस की थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इसके लिए कुछ बेसिक्स को समझना चाहिए। वो बेसिक्स क्या है? सो दोस बेसिक्स आप पहली चीज उसमें क्या है, पहली चीज उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसकी? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की। किसकी? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन के साथ साथ हम बात करेंगे किसकी? ब्लड की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्लड की हम बात करते हैं। तो देखिए जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, तो या आप उसको कहें कि 1:5 है, या उसको कहें क्या 1:5 है, या आप ये कह लें कि 100 ml में क्या होगा, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा, सही? तो वो ये है कि 20 मिलीलीटर किसका? ऑक्सीजन का होना चाहिए किसमें? 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। अच्छा अब ये अगर 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन फी 100 मिलीलीटर है तो इसका मतलब है कि ब्लड इज 100% ब्लड इज 100% सैचुरेटेड विद O2। अब आते हैं इस ग्राफ की तरफ कि ग्राफ में भी हम इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, ग्राफ में भी इन्हीं चीजों को हम कवर करेंगे। तो ये क्या है, ये इसकी सैचुरेशन को शो कर रहा है। किसकी? ऑक्सीजन की सैचुरेशन। अच्छा ऑक्सीजन की सैचुरेशन जैसे हमने कहा, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि 100% सैचुरेटेड है, कितना है 100% सैचुरेटेड है, तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा? दूसरा मतलब इसका ये होगा ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर हम कहें कि 100% सैचुरेटेड है 20 मिलीलीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20 मिलीलीटर। अब आसान कैलकुलेशन, अगर 100 का हाफ ले हम कितना ले 50, यानी ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है 50% है, तो 20 ml की बजाय में क्या लिखूं 10 ml लिखूं। अगर उसका भी आधा ले लें यानी 25% सैचुरेटेड है तो ये कितना हो जाएगा 5 मिलीलीटर, और 75 पे डेफिनेटली 15 मिलीलीटर हो जाएगा। तो एक तो ये चीज हो गई। अब हेमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं कि हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो पहली बात ये नोट कर लें कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितना होता है 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। अब ये जो 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन है ये एग्जैक्ट 20 ml के लिए नहीं है, समझ आ रही है, यानी आप 19.4 समथिंग बन जाता है, कितना बन जाता है, और 19.4 को आप किससे डिवाइड करें 15 से डिवाइड करें तो आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू क्या है ऑफ हेमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी 1.37 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी हेमोग्लोबिन का 1 ग्राम वो क्या कैरी करता है 1.37 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए। दूसरी चीज जो कि इसमें समझने की जरूरत है वो क्या है, वो कल हमने डिस्कस की थी। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है एवरेज कितना, बयान किया था हमने 40 ml ऑफ Hg, सही।
फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ जाता है, हार्ट में। यहां से इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द लंग्स, समझ आ गई है ना, ये राइट लंग यहां लेफ्ट लंग की तरफ। तो वहां से ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो अब जब लंग से ये वापस आएगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चला जाएगा वापस 100 mm ऑफ Hg पर, कितना 100 mm ऑफ Hg जो है उस पर इसका पार्शियल प्रेशर वापस चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें यहां से लेकर यहां तक ये जो चेंज आया है ये किसकी वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ कि एल्विराइड ने हेमोग्लोबिन ने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ और दूसरा डिफ्यूजन हुई, दूसरा क्या हुई डिफ्यूजन। अब ये खून जब बॉडी टिश्यूज की तरफ आएगा तो यहां पर भी मामला यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर होगा 100 mm ऑफ Hg। अब इस 100 mm ऑफ Hg का दूसरा मतलब क्या है, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन मौजूद है हर किस पे 100 mm ऑफ ब्लड में। यानी मिसाल के तौर पे इसको डबल कर ले, अगर ये 200 मिलीलीटर है तो ऑक्सीजन कितना होगा 40 मिलीलीटर, अगर इसको हम क्या करते हैं 500 मिलीलीटर कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 मिलीलीटर होगा, 1:5 इसका, यानी इसका आपस में जो रेशियो है वो क्या है 1:5। तो अब ये कि ये पार्शियल प्रेशर उस वक्त होगा जब ब्लड, हम कहते हैं कि ब्लड इज 100% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, जब ये बॉडी टिश्यूज के पास आएगा तो क्या करेगा, बॉडी टिश्यूज के पास आएगा तो ऑक्सीजन दे देगा। तो यहां जब इसने ऑक्सीजन दे दिया तो जब कैपिलरी बेड में गैसेस एक्सचेंज हो गया तो इसका पार्शियल प्रेशर कहां पर आ जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर वही आएगा जो कि हमने यहां पर लिखा है 40 mm ऑफ Hg। तो इस ये जो दरमियान में क्या हुआ है, दरमियान में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ से, इसको प्रेजेंट करते हैं किससे, एक ग्राफ जो है उससे हम प्रेजेंट करते हैं। वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। अब आपने तीन चार चीजों को नोट करना है। नंबर एक, पहली चीज ये कि ये ग्राफ यहां पर ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो अब ये कि एक वैल्यू कहां पर आ रही है, एक वैल्यू यहां पर आ रही है, एक वैल्यू कहां पर आ रही है, इस जगह पर आ रही है 40 पर, राइट, और दूसरी वैल्यू कहां पर आ रही है, यहां पर। तो इसमें ये 100% सैचुरेशन से नीचे उतर आया किस पर, 75 पर, या ये कि ऑक्सीजन जो है वो 20 मिलीलीटर से 15 मिलीलीटर पर उतर आया। तो अब ये 15 मिलीलीटर किस वक्त होता है, तो यहां पर जब ब्लड और किसके दरमियान, बॉडी टिश्यूज के दरमियान एक्सचेंज हो रहा था तो हमने कहा कि इसका पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है, कितना है 100 mm ऑफ Hg से ये किस पर आ गया 40 पर आ गया, किस पर आ गया 40 पर उतर आया। अब दरमियान में इस 40 mm ऑफ Hg का मतलब क्या है, तो 40 mm ऑफ Hg का मतलब ये है कि 50 मिलीलीटर, कितना 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 mm ऑफ ब्लड, 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 mm। तो ये 20 मिलीलीटर से ऑक्सीजन 15 मिलीलीटर पर कैसे आ गया, यहां पर 5 mL इज सप्लाइड टू टिश्यूज, टिश्यूज या मसल्स कह रहे हैं, ये 5 मिलीलीटर जो है ना ये किसको दे दिया गया, टिश्यूज को दे दिया गया। तो हमने कहा कि ये जो 5 मिलीलीटर का फर्क है ये क्या है, ऑक्सीजन रिलीज। इसी तरीके से अगर हम फिर मिलीलीटर की बात करें कि ये जो यहां से लेकर यहां तक ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें रेस्टिंग कंडीशन की, तो ये है ऑक्सीजन इन रिजर्व। इसी तरह एक पॉइंट ये कि ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो 20 मिलीलीटर से किस पर आ गया, जब ये वापस जाएगा किधर, जब ये वापस जाएगा लंग्स के पास, वापस जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, समझ आ रही है। तो ये पॉइंट असल में किसको शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो कि एल्विराई ने अचीव हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, समझ आ गई,
जो कि 75% सैचुरेटेड था, किसके साथ? 75% सैचुरेटेड था विद द ऑक्सीजन। तो ये पहुंच गया किधर? ये पहुंच गया हार्ट, हार्ट ने इसको दे दिया लंग्स, लंग में कहां पर? लंग्स में एल्विडाइड में गैसेस एक्सचेंज हुआ और ब्लड 100% सैचुरेटेड हो गया। ब्लड क्या हो गया? 100% सैचुरेटेड हो गया। तो जब लंग्स में सैचुरेटेड हो गया तो ये वापस अब किसकी तरफ आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट की तरफ आएगा और हार्ट एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। तो ग्राफ का जो ये वाला पॉइंट है ये है ऑक्सीजन का वो वाला पार्शियल प्रेशर जो कि कहां पर होता है? जो कि एल्वेलाई में होता है। समझ आ गई? जब एल्वेलाई में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले ले और डिफ्यूजन के जरिए भी ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन आ जाए। फिर ये कि ये ग्राफ में अगर यहां पर गौर करें, यानी इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg था और 100 mm ऑफ Hg से पार्शियल प्रेशर वापस आ गया किस पर? 40 mm पर आ गया। दिस इज ड्रॉप ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरी बेड्स, यानी ये 100 mm ऑफ Hg से 40 mm पर क्यों आ गया? 100 mm ऑफ Hg से 40 mm ऑफ Hg पर इसलिए आ गया कि इसने बॉडी टिश्यूज को क्या दे दिया? इसने बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन दे दिया। क्या दे दिया? ऑक्सीजन। ये आम कंडीशंस के अंदर होगा। ये कब होगा? आम कंडीशंस के अंदर होगा। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये 40 से नीचे किस पर आ जाएगा? 20 mm ऑफ Hg पर आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में क्या बात समझाई गई है? इसमें एक बात ये समझाई गई है कि देखिए ऑक्सीजन की सैचुरेशन को अगर हम परसेंटेज में ले तो वो यहां पर आएगी। सही है, ये आ रही है ऑक्सीजन की सैचुरेशन इन द परसेंटेज। और अगर हम इसको मिलीलीटर में ले तो ये इतनी बनती है। फिर ये कि अगर इसका हम पार्शियल प्रेशर ले तो 20, 40, 60, 80 और 100 mm ऑफ मर्करी। एक पॉइंट ऐसा है जो ये वाला पॉइंट है, ये यहां पर ऑक्सीजन ब्लड में क्या है? 100% सैचुरेटेड है, या ये कि 20 ml है, या ये कि उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या है? मैक्सिमम है। अब ये कम क्यों होता है? ये कम इसलिए होता है कि 5 ml कितना? 5 ml ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है टू द बॉडी टिश्यूज। जब बॉडी टिश्यूज को रिलीज करता है तो ये इस पर आ जाता है। जब दोबारा कहा जाता है एल्विलाई जाता है तो फिर से क्या हो जाता है? फिर से उसका पार्शियल प्रेशर कहां पर पहुंच जाता है? फिर से उसका पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg पर पहुंच जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाता है 20 ml पर 100 ml, या हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाता है 100% सैचुरेटेड। तो ये तीनों चीजें जो है ये यहां पर क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में बेसिक बात क्या बताई गई है? तो इसमें बेसिक बात ये समझाई गई है कि बॉडी टिश्यूज के पास जब ब्लड पहुंचता है तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है। किसमें? ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है इनटू हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन ले लेता है? ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज दे देते हैं। कुछ ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज क्या रहती है? रिजर्व रहती है, जो कि हम क्या कहते हैं, यानी 75% जो है वो क्या है? 75% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के पास रिजर्व रहता है। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर एक हेमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन है तो वो एक ऑक्सीजन छोड़ देता है और बाकी 3 उसके पास रहते हैं, बाकी 3 उसके पास। लेकिन ये रेस्टिंग स्टेट में, किसमें? रेस्टिंग स्टेट में ये काम होता है। अगर एक्सरसाइज हो रही है तो हेमोग्लोबिन के पास 1 ऑक्सीजन बाकी रहता है और 3 ऑक्सीजन वो दे देता है। समझा लीजिए, यानी उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो कहां पर होगा? तो एक्सरसाइज के दौरान अगर हम बात करें तो वो एक्सरसाइज के दौरान जब ये रिलीज होगा तो ये फॉल करेगा कहां पर? यहां तक। और पार्शियल प्रेशर जो है ऑलमोस्ट कितने पर आ जाएगा? 20 mm ऑफ मर्करी जो है उस पर आ जाएगा। तो ये है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।